अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो। और कैफे काम के लिए आपके सपोर्ट और आपके तावुन का बहुत शुक्रिया। वर्चुअल विजिट आपका ईद उल फितर पे हम देख रहे हैं और इसके लिए आपके ममनून हैं। और हमने भी आपके लिए एक बहुत ही खास मुलाकात का एहतमाम किया है। हमेशा की तरह हमारे बहुत ही मोहतरम इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब ने हमें इस मौके पे भी अपना सपोर्ट दिया, अपना तावुन दिया और अपना बहुत कीमती वक्त दिया। हम वेलकम करेंगे मोहतरम इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी, ईद मुबारक आपने याद फरमाया। अब देखिए इतने दिन हो गए कोरोना के सबब से मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है इस तरह से। बिल्कुल, साल से भी ज्यादा हो गया और मुलाकातों का सिलसिला मुक्त हो गया था। हमने सोचा कि वर्चुअल स्पेस में एक्चुअल मुलाकात की जाए। तो इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब, एक बात तो रस्मी तौर पे कही जाती है लेकिन आपके हवाले से ये बिल्कुल रस्मी जुमला नहीं होगा कि आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। इतने सालों के सफर को अगर आपने चंद जुमलों में समोना और अपना तारुफ खुद कराना तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ मीडिया का भी और अपने अदब के दोस्तों का भी और आम लोगों का भी। मुझे उन्होंने हमेशा से बहुत इज्जत बख्शी। मैंने रेडियो पर काम किया, खबरें पढ़ी और फिर मैंने टेलीविजन पर प्रोग्राम्स भी किए और काम भी किया और वहाँ मैं बहुत देर तक आज टीवी से वाबस्ता रहा। उसी ज़माने में मैंने शायरी का काम भी जारी रखा। फिर मैं लंदन चला गया, वहाँ मैंने उर्दू मरकज़ सनाब्दी साहब की क़यादत कायम किया और मैं उसका निगरा बनाया गया। वो काम ख़त्म हुआ तो फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया और यहाँ मैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान से वाबस्ता हुआ और फिर मुझे राइटर्स एंड स्कॉलर्स फाउंडेशन जो थी पाकिस्तान की, उसका मुझको निगरा मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान मुख्तदरा कौमी ज़बान का मुझको चेयरमैन मुकर्रर किया गया। तीन दफ़ा मैंने इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ संभाली और कोई 10 बरस के करीब फिर मैं पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स का भी मैं चेयरमैन रहा और कुछ देर मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में हिंदी और उर्दू के प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया, पढ़ाया वहाँ बच्चों को। और मैं समझिए 70-71 बरस की उम्र में मुझे उन्होंने दोबारा जो एक बड़ा इदारा है ECOIC उसके प्रेसिडेंट के तौर पर तेहरान मेरी तकरीरी हुई। मैं पहला नॉन ईरानियन सदर था उसका, उससे पहले 7 प्रेसिडेंट्स जो थे वो ईरान के रह चुके थे। वहाँ मैंने कुछ देर खिदमत सर अंजाम दी। मैं वापस आया तो फिर मैं उसको मुकद्रा कौमी ज़बान में भेज दिया गया। अब मैं रिटायर होकर घर में बैठा हूँ और जो मैंने पहले किताबें थी मेरी शायरी की, मेरे दो नीम और हरफ बारियाब और जहाँ मालूम और किताबें दिलो दुनिया और शहर इल्म के दरवाजे पर, उसके बाद जो मेरा थोड़ी सी तहरीरें मेरी जमा थी तो मैंने कहा ज़िंदगी का तो कोई ठीक नहीं, अपनी ज़िंदगी में ही जो आदमी है वो अपना काम सामने ले आए और महफूज हो जाए। तो अभी पिछले महीने बाग़े गुल सुर्ख के उन्वान से मेरी किताब शाया हुई जिसे बहुत ही बस दोस्तों की मेहरबानी, अल्लाह का बहुत करम रहा मुझ पर। तो मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सुबहान ताला जो हैं उन तौफीकात अता फरमाते हैं, आप में सलाहियत और लियाकत देते हैं और अगर आप अपनी तवानाइयों को यकजा करके फोकस करें, मरकूज करें किसी एक हदफ के उसूल के लिए तो कभी आपकी मेहनत और आपकी जो रियाजत है वो ज़ाया नहीं होती। मैंने डॉक्टर साहब कभी भी, मैं बहुत ही गरीब घराने से निकला हुआ बच्चा था लेकिन मैंने हमेशा ये चाहा कि मैं जो भी मैं जब पढ़ता था तालिब इल्मी के ज़माने में तो मैं चाहता था कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ मैं किसी वक्त इसका प्रिंसिपल होऊंगा और मैं इसमें ऐसे आया करूंगा और वहाँ बैठा करूँगा।
फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। तो मेरा ये ख्याल था कि जिसमें शोबे में पढ़ता हूँ, जिसमें मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, उसमें मैं गोया सदर शोभा वगैरह के तौर पर नुमाया होऊंगा और शायर के तौर पर भी नुमाया होऊंगा। अब मैं यहाँ आ गया टीवी में, तो मैं समझिए कि अगर मैं टीवी में रहता तो मैं बिल्कुल जैसे मेरी, मैं बहुत छोटी सी उम्र में, अब मैं खुद सताई इसमें छुपी हुई, यानी मैं उसको हेड करता, लेकिन शो बिजनेस जो थी वो मेरी मंजिल नहीं थी, मुंतहा नहीं था, मैं अदब में ही, और अदब में आ गया। अच्छा देखिए, अल्लाह सुभान ताला ने मुझको कोई, मैं 25 बरस डॉक्टर साहब, यानी ये बहुत ही एक शुक्रगुजारी और एहसान मंदी, लेकिन मैं इसको बार बार इसलिए कहता हूँ कि बहुत से नौजवान हैं जो मेरे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ये यकीन दिलाना चाहिए कि जो मेहनत है और वो रायगा नहीं जाती, और परवरदिगार आलम ने कभी किसी शख्स के दिल में कोई ऐसी आरजू, कोई ऐसी ख्वाहिश जन्म नहीं लेने दी जिसके हुसूल की सलाहियत उसमें पहले से न रख दी गई हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता। और मैं आपसे अर्ज करूं, जैसे अब मैं मुड़कर 76 बरस की उम्र में जब पीछे उड़कर देखता हूं तो ऐसे लगता है कि जैसे एक रोड मैप बना हुआ था और उसमें ये तय हुआ कि भाई ये जो इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, इनके ये अकेले इस पाकिस्तान में रहते हैं, तो सलीम गिलानी साहब रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल थे, वो मुझे लेकर पीटीवी चले गए। वहाँ एक साहब मिले, उनका नाम था असलम अजहर, उन्होंने मेरी तरबियत की, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे जिसको कहते हैं ग्रूम किया और मेरी तरबियत की। असलम अजहर साहब से और ख्वाजा शाहिद हुसैन साहब मुझे मिल गए लंदन में, वहाँ आगा हसन आबदी साहब ले गए, आगा साहब के साथ अल्ताफ गौहर साहब मेरे बॉस मुकर्रर हुए, मुश्ताक अहमद यूसफी और इब्ने हसन बर्नी और साले नकवी साहब मेरे ट्रस्ट के मेंबर थे, चुनांचे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं कहूँ कि आगा हसन आबदी साहब की क़यादत में ज़िंदगी की वो तमाम सहूलतें मैसर आईं जो किसी भी मुल्क के किसी भी शहरी को जो ज़्यादा से ज़्यादा आसूदगी ज़िंदगी की मैसर आ सकती थी वो मुझे मैसर आई। बड़ी तनख्वाह और बड़ी सहूलतें और एक बड़ा फराख दिल, दुनिया में जो कामयाब लोग होते हैं उनकी एक निशानी ये भी होती है कि जो उनके बॉसेस होते हैं वो बहुत वसत नज़र और फराख दिल होते हैं, और जो उनके नंबर टूज होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। मसलन मैं असलम अजहर साहब थे, जैसे उन्होंने कभी किसी नालायक आदमी को अपने पास नहीं आने दिया, और ज़रा सा भी साहिब हुनर आदमी हो तो उसको वो तरबियत भी करते थे, उसकी क़यादत भी करते। यही आगा हसन आबदी साहब ने अपने अतराफ में बहुत प्रोफेशनली बहुत साउंड लोगों को रखा। अब मैं यहाँ आ गया, यहाँ ख्वाजा शाहिद हुसैन साहब सेक्रेटरी कल्चर थे, फिर बाद में मजहरुल हक सिद्दीकी। एक बार दूसरी बात यह है, मैं उर्दू स्पीकिंग जिसको आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो सिंधी हूँ और कोई मुझे माने न माने लेकिन मैं सिंध से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ, कराची का रहने वाला हूँ, कराची मेरा घर है। मुझको कभी ये नहीं हुआ कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं महाजिर हूँ, मैं कोई हूँ। मैं बलूचिस्तान में जाता हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा जाता हूँ, मैं पंजाब में जहाँ भी जाऊँ, अल्लाह सुब्हान तआला बड़ा करम है, इसलिए कि मैंने अपनी ज़बानों का एहतराम किया, अपनी सकाफ़तों का एहतराम किया, अपने मजबूर और महरूम तबकों का एहतराम किया, और जो कुछ मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया। अच्छा, उसको पज़ीराई भी मिलती तो इसकी खुशी होती है। आप कोई काम करते हैं, मसलन ये जो दोनों आप इमारतें देख रहे हैं, अकादमी की भी और मुख्तदरा की भी, ये मेरे ज़माने में तामीर हुई, बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। मसलन आपसे मैं कहूँ कि ग्रेट बुक्स के तर्जुमों का प्रोजेक्ट है, लुगतों का प्रोजेक्ट है, मशाहिर का मेबरान अदब का प्रोजेक्ट है, अंग्रेज़ी की अंग्रेज़ी अदब में अंग्रेज़ी ज़बान में पाकिस्तानी अदब के तर्जुमों का और यूरोप की ज़बानों में। तो मुझको यानी मैंने छोटे छोटे काम किए लेकिन मैंने अपनी विसात में जो मेरी विसात में था। देखिए डॉक्टर साहब, मैं जो ईरान के रहबर मुअज़्ज़म हैं उनकी अकाबरीन से भी मुलाकातें मुमकिन नहीं होती, मगर रहबर मुअज़्ज़म से मैं कई दफ़ा मिला और मैंने उनके साथ
उनकी ज़ियारत की, कदम बोसी की, मैंने अपनी दो दफ़ा अपनी किताबें उनको पेश की उनके यहाँ। तो मुझे ये मैं उनका जो फरहंगिस्तान ज़बान अदब ईरान है, मैं उसका वाहिद नॉन ईरानियन रुकन हूँ, तो मुझे ये सआदत मैसर हुई। फिर मैंने दुनिया के बड़े अदीबों से मेरी मुलाकातें रहीं और मनसबी एतबार से भी, और यानी जैसे मैं सोवियत यूनियन गया हूँ तो उनके जो बड़े लोग थे उनसे मेरे अच्छे बहुत ताल्लुकात थे, जैसे चंगेज एतमातोव से, ये रसूल हमजातोव से, लुद्मिला वसीलेवा, आना सोरोवा, प्रोफेसर सखचौव, ये रीमा कज़ाकावा, जितने इन्हें बड़े रूसी अदीब शायर उस ज़माने के थे उनसे मेरी मुलाकातें रहीं। बरतानिया में जो ओरिएंटलिस्ट थे, जैसे हमारी आपने खुद भी देखा है कि एन मरी शिमल आती थी हमारे यहाँ, और वो हमारी बहुत ही, हमारी यहाँ भी उनसे नियाजमंदी थी, और जब वहाँ मैं लंदन में रहता था तो कई दफ़ा मेरी मेहमान के तौर पर वहाँ तशरीफ़ लाई और मेरे दफ्तर यानी मेरे इदारे में तशरीफ़ लाई। यहाँ मैंने सबसे पहले समझिए 60s में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वो दोस्ती जो थी उनके इंतकाल तक रही, और जब मैंने उनको यहाँ आखिरी दफ़ा, वो मेरी ही दावत पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी यौम इकबाल के सिलसिले में, और रैल्फ रसल, और जो मेरी अंग्रेज़ी की एक किताब छपी थी 12th मैन, वो बरतानिया से छपी थी पहले, और वो GCSE के कोर्स में भी शामिल थी उस ज़माने में जब मैं बहुत ही, उम्र मेरी थोड़ी सी थी, और बड़े लोग उसमें उस एंथोलॉजी में शामिल थे। फिर ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से मेरी किताब रिटन इन द सीज़न ऑफ फियर छपी, और उसके 5 एडिशन शायद ही किसी और पाकिस्तानी शायर के छपे हुए होंगे। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, शायरी में भी मैंने बहुत मेहनत की, और मैंने, और एक मैं छोटी सी बात कह के आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ एक तस्वीर ये है कि अब आपने MA कर लिया है जी, तो अब आपको पढ़ना नहीं है। अच्छा, होता ये है कि हर तरक्की का मर्तबा जो है वो आपसे मुतालबा करता है नई तैयारी की। तो मैंने समझिए, जब मैं उर्दू पढ़ाने फंसन गया या मैं फारसी ईरान भेजा गया, मुझे टेलीफोन आया कि आप फलन जगह के वाइस चांसलर हो जाइए, तो मैंने कहा कराची नहीं जाऊंगा। अभी वो हयात हैं दोनों बुजुर्ग, जिन्होंने यानी आसिफ जरदारी साहब भी, और वो सदर थे मामलकत के, और सलमान फारूकी साहब जो मेरे मोहसिन हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम वहाँ चले जाओ कराची वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो। मैंने कहा सर मैं कराची यूँ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद उनका फोन आया कि हमने तय किया कि तुम ईरान चले जाओ। अच्छा, आप यकीन कीजिएगा डॉक्टर साहब कि मैंने ईरान जाने से पेशतर कई महीने ऐसे लगाए, 2-3 के जो मैं तो थोड़ी बहुत क्लासिकल फारसी जो हम लोगों को उर्दू वालों को पढ़ाई जाती वो तो मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन बाकायदा फोकस करके उनकी तहजीब और उनकी सकाफत और उनकी मजहबी रवायात और वगैरह वगैरह पढ़ कर मैं गया। बिल्कुल इसी तरह से जब मैंने TV ज्वाइन किया तो मेरे तो फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि भाई मगरब में ड्रामा कैसा होता है और थिएटर एब्सर्ड कैसा होता है और सिम्बोलिस्ट थिएटर कैसा होता है और कौन वगैरह वगैरह। अस्तमदर साहब ने ग्रीक थिएटर से लेकर जो मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट थिएटर था उस तक की जैसे तरबियत करते हैं ना बच्चों के, ऐसे किताबें देकर समझा कर बताया। तो ये जो तरीका हमारे यहाँ है कि हर पोजिशन एक नए चैलेंज का मुतालबा करती है, और अगर आप उस चैलेंज को कबूल नहीं करते तो आप नौकरी कर लेते हैं। तो मैंने नौकरी समझकर नहीं की, जिंदगी के शुरू में ही मेरी किताब से दोस्ती आपकी, जैसे आपका घर था। अब आपने तो आंख खोल के किताबें ही देखी थी, आपके वालिद किस कदर पढ़े लिखे आदमी थे, जिंदगी उन्होंने इसी किताबों में ही गुजारी ना। तो मेरे यहाँ तो सब यानी समझिए अनपढ़ लोग थे। मैंने पहली दफा मैं गोया अपने महल्ले में भी कोई इस तरह के लोग नहीं थे जो फर्ज कीजिए इस तरह के डिसिप्लिन में गए हों। सब कहते थे कि देखिए ये गरीब घराने का लड़का, इसको चाहिए था, ये पढ़ने लिखने में तेज था तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेता,
ये मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते थे। मेरे नाना जो थे वो मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम क्या पढ़ाना चाहते हो, मैंने कहा मैं फलसफा पढ़ाना चाहता हूँ या मैं सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बस ठीक है, जो तुम पढ़ना चाहते हो बस वो पढ़ो। डॉक्टर साहब मैंने चाहा कि मैं अपने अखराजात पूरे करूँ, तो मैंने ट्यूशन करना चाहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ट्यूशन ना करो और तुम जो तवज्जोहात हैं वो अपनी पढ़ने पे। अच्छा जाहिर है कि एक और नौजवानी के जितने शगल होते हैं उसमें से किसी में मैं नहीं गया। उसका सबब ये था कि मैं ये जानता था 18 बरस से 25 बरस की जो उम्र होती है उसी में आप एक्सेल कर लेते हैं, और अगर आपने यहाँ घपला किया, इसलिए कि वही वक्त होता है जब आपका जिस्म आपसे मुतारिफ होता है, वही वक्त होता है जब आपके इमोशंस और सेंटिमेंट्स आपसे मुतारिफ होते हैं, और अगर आपने दोनों को सरेंडर कर दिया तो फिर आप बहुत दूर तक नहीं जा पाते। चुनांचे मैंने आप यानी मैं इतने दिन यूरोप में रहा, यूरोप ने मुझ पर कोई जिसको आप यहाँ की तहजीबी जबान में मनफी असर कहते हैं वो मुझ पर गुरुस्तर नहीं हुआ। और हमारे यहाँ मनफी असर का मतलब होता है कि आप शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते हैं, और आप कहीं ये तो नहीं है कि किसी खातून के पीछे वगैरह जाते हैं, ये सब जो है ये हमारे मनफी असरात में होता है। अच्छा फिर मेरी जिंदगी में एक अल्लाह की एक नेमत थी बेटी, मुझको पहले अल्लाह ने सबसे पहले बेटी से नवाजा, और उसके बाद अल्लाह ने मुझे ये कहते बेटा फरमाया। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाते थे मेरी जिंदगी के मर्तबे बढ़ते जाते थे, और मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई बात नहीं है कि लोग ये कहते थे कि जब से इनके यहाँ गेटी की विलादत हुई है और ये बहुत ही कामयाबी की तरफ गया जा रहे हैं, और हमें इसकी खुशी भी होती थी, और हम अपनी बेटी से और अब हम अपनी पोतियों से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने हम अपनी बेटी से करते थे और हमारी बहू और वगैरह कोई। तो ये जो हिस्सा होता है ये भी इत्मीनान एक शुक्रगुजारी का एहसास था। और फिर देखिए जिस आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मैसर आती हो, आप यकीन कीजिएगा रशना कि मैं पहली दफा मैंने सूट जिंदगी में पहली दफा सूट पहना था जब बीए की ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन के लिए, और मुझे पहनना भी नहीं आता था, मुझको टाई लगानी नहीं आती थी, और मेरे नाना मरहूम जो थे वो कपड़ा ले आए, और मई जून के ज़माने में कॉन्वोकेशन था और गर्म कपड़ा ले आए, और महल्ले के दर्जी ने एक चीज़ सीनी जिसको वो सूट कह रहा था थैले की तरह पहने हुए। अच्छा अब मुझे टाई भी लगाना नहीं आती, अब वो हमें कॉन्वोकेशन में जाना है तो महल्ले में किसी साहब ने टाई बांध दी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने ज़िंदगी शुरू की। फिर ये हुआ कि जो वार्डरोब्स हैं वो सूटों से भरे होते हैं, मगर हमारा जी नहीं चाहता। और जब हम पाकिस्तान आए तो हम पहले भी खद्दर का कुर्ता और पजामा और बंडी पहनते थे, और अभी भी हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सूट वगैरह ना पहने। तो मतलब मेरे कहने का, मगर देखिए ये इसको आप क्या कह सकती हैं, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मैसर आ गया, शुक्र है उसका कि मुझे मैसर आया। मुमकिन है कि मेरे यहाँ शुक्रगुजारी ना होती और तलखी होती। अच्छा दूसरी बात यह है कि आप खुद माशाल्लाह कामयाब हैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर और एक जेंडर स्टडी के स्कॉलर के तौर पर, डॉक्यूमेंट्रियां आपने बनाई हैं। आप जानती हैं कि जो लोग जरा से भी कामयाब होते हैं उनसे हसद बहुत किया जाता है। मैंने उसमें अपना वक्त जाया नहीं किया, ये ट्रेनिंग थी फैज साहब की। अच्छा जी हाँ, उन्होंने एक दफा एक साहब थे जिनके जो उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ बातें की तो मैं उनसे बहुत नाराज हुआ, तो मैं फैज साहब ने मुझे बहुत ही आहिस्ता से एक बात कही, और उन्होंने फरमाया कि जब कोई शायर आपसे आपको तंग करे तो उसकी वजाहत न करें, एक अच्छी सी गजल कह लें, क्योंकि जब आप अच्छी सी गजल कहेंगे तो
तो यही उसका जवाब है, वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि आपकी तवानाइयां वजाहतों में जाया हो जाए। चुनांचे मैंने कभी वजाहत नहीं की, कभी किसी को किसी इसकी तरदीद नहीं की। अच्छा, जितने मेरे सवालात थे तकरीबन उन सबके जवाब जो है आपकी इस गुफ्तगू में जो है वो आ गए, क्योंकि इतनी आप रवानी से बात कहते हैं और दिल से कहते हैं कि बिल्कुल एहसास ही नहीं होता वक्त के गुजरने का, लेकिन वक्त तो गुजरता जाता है। और एक सवाल छोटा सा इसी हवाले से है कि मेरे जहन में जो सबसे पहला आपका जो इमेज है ना वो है कसौटी के इफ्तिखार आरिफ साहब का साहब के साथ, और हम लोग उस वक्त मेरी उम्र के जो लोग थे वो स्कूल में थे, मैं आईसीबी में थी, तो मुझे याद है कि हम रिसेस में हम लोग कसौटी कसौटी खेला करते थे, यानी एक ट्रेंड सेटर था। देखिए कितनी कितना बड़ा एहसान है आपका उस जनरेशन पे, एक हेल्दी एक्टिविटी लोगों को मिली, खासतौर पर नौजवानों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। और वहां से मैंने आपके भी मुख्तलिफ जो है रोल्स में आपको देखा, तो ये जो कैलेंडर तब्दील होता गया तो उसका असर हमें तो आपकी जो है तवानाई और आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसमें नजर नहीं आया। तो ये आपने कैसे, एक तो मुझे आपकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि वाकई आपने बहुत अपने आप को फोकस रखा, पॉजिटिविटी की तरफ गए, कभी वजाहत नहीं दी, लेकिन जिस तरह आजकल के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अब सीक्रेट टू सक्सेस है क्या, तो एक तो शुक्र है, एक तो मेहनत है, उसके अलावा अगर कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं, कंसिस्टेंसी जो है, फोकस आपने जैसे बताया फोकस, देन आई फोकस्ड ऑन पोएट्री। जब मैंने शायरी शुरू की तो मेरे उस्ताद की मंजिल में थे और आपके वालिद के बहुत दोस्तों में थे, आपने भी उनको बहुत दफा देखा होगा, सलीम अहमद साहब। जी जी, सलीम अहमद साहब फरमान लगे कि इफ्तिखार अगर तुम चाह रहे हो कि शेर कहो तो तुम्हें दो काम करने चाहिए, और उन्होंने एक बात ये कही कि तुम्हें ये तय करना पड़ेगा कि मरते वक्त शोबिस के हवाले से जाने जाओ कि अदब के हवाले से। तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हें शोबिस में रहना है कि तुम्हें अदब में जाना है। अब ये मैंने जवाब नहीं दिया, मगर मैंने फैसला किया कि मैं शोबिस को तर्क कर दूंगा और मैं टीवी मैंने छोड़ दिया। जब मैं, आप समझिए, मैं यानी मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि 10वां ग्रेड होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का जी, और मेरी उम्र अभी 31 बरस भी नहीं हुई थी और मैं 8वें ग्रेड में था, और मेरे बात के यानी मुझे कोई रोक टोक नहीं थी, अगर मैं रहता तो किसी न किसी दिन मैं, मुझे बाद में दो दफा पीटीवी के सिलसिले में मौका मिला, मगर मैंने दोनों दफा माजरत चाही, इसलिए कि अब मेरे पास वो सलाहियत नहीं थी जो टेलीविजन को मैनेज करने की होती है, मेरी सलाहियतें और तरफ की थी। दूसरी बात ये कि शायरी मैंने कोई एक लफ्ज डॉक्टर साहब मैंने वो नहीं लिखा जो मैं, जिस पर मेरा यकीन नहीं था और जो सच नहीं था। मैंने कभी कोई गलत बात नहीं लिखी, जो बात लिखी मैं एक बुजदिल आदमी हूँ, मैंने वैसी बगाव, मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मगर मैं लिटरेरी एक्टिविज्म में बिलीव करता हूँ। ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ये मैं मुस्तार ले रहा हूँ अरुंधति रॉय से, अभी उन्होंने अपनी जो उनकी ताज़ा किताब आई है आज़ादी, उसमें उन्होंने ये लफ्ज क्वाइन किया है कि जो लिटरेचर के लोग एक्टिव होते हैं, यानी पॉलिटिक्स के लोग नहीं, जो लोग लिटरेचर में हैं, और वो बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत सी ख्वातीन हैं जो फेमिनिस्ट अपने आप को कहती हैं, तो वो फेमिनिस्ट होंगी, यकीनन होंगी। तो वो एक तो फेमिनिज्म वो है जो लिटरेचर में होता है, exactly. एक फेमिनिज्म वो है जो सोशल फेमिनिज्म जैसे आम होता है, जो बुनियादी तमाम ख्वातीन जो हैं वो आज़ादी या निस्वाम पर यकीन करती हैं, उनके हकूक पर यकीन करती हैं, बड़ा एहतराम है हमारे दिल में उनका, मगर जो फेमिनिज्म है ये बाकायदा एक डिसिप्लिन है और एक आइडियोलॉजी है जिस पर आप यकीन करते हैं, उसके वजूद को, उसके हक को, उसकी जिंदगी को, अपने इंतखाब को तस्लीम करना ये बहुत मुश्किल काम है, और हमारे यहाँ ख्वातीन ने बहुत कुर्बानियां देकर ये मंजिल, किसी ने आपको अतिया नहीं की, किसी ने कोई आपको गिफ्ट नहीं किया है, आपने लड़ कर और जिद्दोजहद से ये मकाम हासिल किया है। ख्वातीन ने जितना भी हासिल हुआ वो बेदारी जिसे आप कहिए, आप उसको शऊर कहिए, उसको आगे ही कहिए, जो भी है वो आपकी जिद्दोजहद का नतीजा। तो एक बार उन्होंने मुझसे ये कहा, सलीम अहमद साहब ने,
कि अगर तुम शेर कहना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे तुम जिस जबान में शेर कह रहे हो उसमें कितना अच्छा शेर कहा जा चुका है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस वक्त जो तुम्हारे ज़माने में शेर लोग कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अगर तुम सलाहियत रखते हो और आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया की दूसरी ज़बानों में जो शेर कहा जा रहा है उससे भी आगही हो। इतनी प्यारी बातें आप करते हैं और वक्त का एहसास ही नहीं होता, लेकिन वक्त जो है अपनी याद जरूर दिलाता रहता है। तो इस आज की नशिस्त का इख्तिताम करते हुए मैं फिर एक गुजारिश करने की जसारत कर रही हूँ, क्योंकि एक तख्लीककार के लिए अपनी हर तख्लीक बहुत अहम और बहुत प्यारी होती है, और इतने बड़े शायर से, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल से ये कहना कि हमें अपनी पसंद के अपने अशार सिर्फ 3 से 4 अदा करें तो आप माइंड तो नहीं करेंगे इस बेतुके से सवाल को। देखिए, मैं आपको अलग अलग से गजलों के 4 शेर सुनाता हूँ। मिट्टी की मोहब्बत में हमाशुफ्ता सरों ने, मिट्टी की मोहब्बत में हमाशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। मिट्टी की मोहब्बत में हमाशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। ठीक है, या मसलन के उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहे थे, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते। पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते। पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे, या ये कि बिखर जाएंगे जब क्या बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। मेरे महबूब का आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उहदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। ये वक्त किसकी सुरूनत पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। माय ऑल टाइम फेवरेट। मैं तो मुझे तो सब याद है अपना, बस बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत आपकी मेहरबानी। फिर आपको ईद की मुबारकबाद, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह हम सबको इंस्पायर करते रहे। इतनी मेहनत, इतनी जहानत, इतनी इंकसारी, ये सिर्फ मैंने इफ्तिखार हुसैन आरिफ में यकजा देखी। मैं बहुत ममनून हूँ। कैफे काम आपका ममनून है, आपने हमेशा हमें सपोर्ट दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा।